नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको जबरदस्त चीज दिखाने वाले हैं। अगर आप गांव से हैं और लौकी की खेती थोड़ा बहुत करते हैं खाने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि लौकी को जो है अभी जो ठंड के सीजन में होती है लौकी, उसे फ्रूट अच्छे तरीके से देने के लिए इस तरह की जुगाड़ आपको जरूर लगानी चाहिए। तो देख सकते हैं हमारा जो लौकी का पौधा है कितना अच्छा है और बिल्कुल जमीन से ऊपर है, और इस तरह से देने से क्या फायदे होते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिखाएंगे ये कितना अच्छा फूल भी है, और ऐसा नहीं है कि केवल फूल है, और यहाँ पर आपको फ्रूट भी दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लौकी का फ्रूट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से सही से आपको फ्रूट दिख रहा होगा। तो केवल ऐसा नहीं है कि इस तरह से आपको केवल जो है लत इसका वही दिख रहा होगा, तो इस तरह से हमने जुगाड़ करके इसके लिए बनाया है जो कि काफी जरूरी था इसके लिए। हम आपको इस वीडियो में यही दिखाने के लिए लाए हैं कि अगर आप लौकी के एक लत या दो लत से ज्यादा फ्रूट लेना चाहते हैं, यानी कि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा फल लेना चाहते हैं, तो इस तरह की जुगाड़ आपको बनाने चाहिए। फायदा ये होता है कि लौकी के जो पौधे होते हैं वो जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। कहीं पर भी इसका पौधा जमीन से लगा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में बारिश ज्यादा होता है और बारिश ज्यादा होने की वजह से ये लत पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप ऊपर उठा करके देंगे तो आसानी से ये पौधे अच्छे होंगे और ज़्यादा फ्रूट देगा। तो इसको करने के लिए क्या करना है, बांस के कुछ खंभे आप इस तरह से ज़मीन में गाड़ सकते हैं और इसके ऊपर बांस या बेतरा जिसको कहते हैं वगैरह कुछ भी डाल करके इस तरह से बना सकते हैं। हमने कितना लंबा चौड़ा जगह इसके लिए दिया है ये भी चलिए हम आपको दिखाते हैं, और किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो देखिए वहाँ पर पहले फर्स्ट फेज में आप नीचे जो देख पा रहे होंगे उसके लिए छोटा सा मैंने बनाया था, लेकिन जब इसका जो एरिया बढ़ने लगा तो फिर मैंने एरिया को यहाँ तक इसका बढ़ा दिया ताकि ये अच्छे तरीके से फैल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट दे पाए। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने बना दिया है कि इससे काफ़ी एरिया मिले और जितना चाहे उतना फैल सके और अधिक से अधिक फ्रूट दे। हाँ, तो अगर आप भी लौकी की खेती करते हैं तो इस तरह से आपको बांधनी है। इसको हम बेतरा कहते हैं जो बांस का ही टुकड़ा होता है, तो हमने छोटे छोटे खंभे के मदद से इसे ऊपर करके इस तरह से बांध रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है, और नीचे काफ़ी स्पेस भी है, तो नीचे अब दूसरा काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जानवर वगैरह नीचे बैठता है और ऊपर हमारा लौकी भी अच्छे तरीके से ग्रो कर जाता है। तो इस तरह के जुगाड़ के लिए आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।